नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में संदिग्ध हालत में युवती की अपार्टमेंट की दसवीं मंजिल से गिरकर मौत के मामले में आज पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद युवती के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव ले जाने से इनकार कर दिया। वहीं सपाइयों के साथ परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाहर हंगामा भी किया। लाश को नहीं ले जाने और हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस और सपाइयों की मौके पर तीखी झड़प भी हुई। वहीं अधिकारियों ने समझा बुझाकर परिजनों को युवती के शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। अधिकारियों ने नियमानुसार मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं मृतका के परिजनों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मृतका की मां ने युवती को नौकरी पर रखने वाले युवक पर रेप कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी की फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। मृतका की मां ने कहा कि जब बेटी समय पर घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया। बेटी की मौत के बाद उसका मोबाइल पुलिस के पास था, फिर भी कई बार फोन करने पर भी पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वह खुद जब अपनी बेटी की बॉस के अपार्टमेंट पर पहुंची तो बेटी की लाश को पड़ा देखा। पुलिस लवारिस की तरह उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी। सपा नेता रचना सिंह ने कहा कि लड़की के साथ रेप करने के बाद उसके मालिक ने उसे दसवीं मंजिल से फेंक दिया। उन्होंने मृतका का परिजनों को 50 लाख का मुआवजा व दूसरी बेटी को नौकरी दिए जाने की मांग की है। वहीं एसीपी कल्याणपुर ने कहा कि परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। एसीएम के माध्यम से पीड़ित परिजनों के मुआवजे की मांग को अधिकारियों तक पहुँचाकर मदद कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। क्या मामला हुआ और कैसे पता चला आपको? हमको पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं पता चला। हम वो टाइम बता के गई थी कि 11 से 7 बजे तक का है। जब 7:30 बज गया तो हमने उसको फ़ोन 7 ही बजे से करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। हमें लगा कि काम में बिजी होगी तो नहीं उठा रही है, लेकिन टाइम जब 7:30 हो गया तो हम वहाँ ढूंढते हुए, उसने हमें बताया था कि दीदी यहाँ अपार्टमेंट है, बॉस का अपार्टमेंट है गुलमोहर रेजिडेंसी। तो हम वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि ये पहले से मतलब पड़ी है। इसके बाद वहाँ पुलिस थी। ये घटना करीबन वही 6:30 बजे की है। पुलिस भी वहाँ 6:30 बजे पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। जबकि सिस्टर का फ़ोन उसके पास, उन लोगों के पास ही था। हम कॉल पे कॉल कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने उधर से उठा के ये भी नहीं बताया कि आप कौन हैं, क्यों फ़ोन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उसको बाकायदा काली उस पर लिटा दिया गया था। एक तरीके से ये मतलब उसको सीज करने की तैयारी कर रहे थे कि इसको ऐसे ही वो बता दें कि इसका कोई नहीं है। वो आयन वक्त पर उसको हम ढूंढते हुए पहुँच गए। हमें अपार्टमेंट पता था तो वहाँ पर हम पहुँच गए। अभी तक की किसी भी तरीके से ना कोई प्रशासन ने, ना पुलिस डिपार्टमेंट किसी तरह, ना कोई और भी लोगों ने कोई भी मदद नहीं की है हम लोगों की। सुबह कल से सुबह से ये लोग पोस्टमार्टम का बता रहे हैं, अभी हो रहा। और 5:30 बजे कह रहे हैं कि अब पोस्टमार्टम हो गया है। हमें विश्वास ही नहीं है कि ये पोस्टमार्टम बदल सकते हैं। और हमने कहा है कि DM को बुलाया जाए, यहाँ के जो मंत्री हैं भाजपा के उनको बुलाया जाए, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की हम लोगों की। अब हमें देखा जाए, हमारी मदद की जाए। और सबसे पहले बड़ी मदद, आरोपी को फांसी चाहिए और हमारी लड़की को हमें सहयोग चाहिए, हमें इसकी सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इस हादसे से उबर नहीं पाएंगे। कौन दोषी ने उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया और उसको मार के दसवीं मंजिल से उसको फेंक दिया। इन लोगों ने फ़ोन भी लगाया लेकिन उसका फ़ोन उठा नहीं। इसके बाद जब इन लोगों को घटना हुई कि बेटी का फ़ोन उठा नहीं, तो ये पीड़ित परिवार परेशान हुआ। इन लोगों को सूचना चौथे दिन हुई जब दसवीं मंजिल से बेटी फेंक दी जाती है। पुलिस प्रशासन ने भी इनको इन्फॉर्म नहीं किया परिवार को कि ये घटना हो गई है। जैसे भी तैसे ये लोग पहुंच तो गए वहाँ पर। जब इनको सूचना मिली कि बेटी हमारी अब नहीं रही, तो ये लोग वहाँ पीड़ित परिवार के
अपनी बेटी के पास पहुंच भी गए। हम चाहते हैं कि उस दोषी को फांसी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और न्याय ये है कि 50 लाख की उसको मदद और जो उनकी बेटी एक है उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। और शासन प्रशासन से हमारी एक चेतावनी भी है कि इस पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। तो क्या लगता है प्रशासन का आपको कोई मदद नहीं मिल रही है? अभी देखिए, हम जब से हम आए तब से तो हमने देखा है कि पीड़ित परिवार से मैंने बात भी की है, लेकिन अभी भी कोई आश्वासन पीड़ित परिवार को नहीं दिया जा रहा है। पूरे 24 घंटे होने जा रहे हैं बॉडी को, अभी भी कोई वो नहीं दी जा रही सूचना कि पोस्टमार्टम हुआ है या मिट्टी हम आपको दे रहे हैं या बॉडी दे रहे हैं, इसकी कोई सूचना पीड़ित परिवार को नहीं मिल रही। और यहाँ तक कि प्रेजेंट की सरकार, भाजपा सरकार के कोई भी मंत्री या कोई भी पद के विधायक सांसद से लेकर अभी पीड़ित परिवार की कोई मदद करने नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक कि कोई डीएम भी नहीं आया है कि यहाँ पे पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया जाए। पीड़ित परिवार अभी भी यहाँ पर मौजूद है और हम पीड़ित परिवार के साथ सदैव खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता उनको। ये कल घटना हुई थी, उसमें तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसका पंचायतनामा दिया कराया गया, साथ ही साथ पैनल गठित किया गया। पैनल गठित के बाद में वीडियोग्राफी करके इसका पीएम कराया गया है और साथ ही साथ इनके परिजनों के कुछ आर्थिक सहायता की मांग की। एसीएम सिख साहब आए हैं और उसमें जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी या और जो भी फंड इनकी सहायता पीड़िता की हो सकती है उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और एसीएम साहब से और जो भी होगा, जो हमारे संभ्रांत व्यक्ति कुछ आए थे उनकी वो भी उनसे भी रिक्वेस्ट की अपना करें तो उसे अदर कार्रवाई की। परिजन अपना इनके अपने परिवारिक अपने घर ले जाना चाहते हैं, अपने आराम से ले गए हैं, जो भी उनका होगा अंतिम क्रिया संस्कार वहीं करें। देखिए, ये 21 सितंबर को कल्याणपुर क्षेत्र में जो घटना हुई थी जिसमें युवती की अपार्टमेंट के 10वें मंजिल से गिर करके मृत्यु हुई थी, इस संबंध में तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने जुर्म को कबूला भी है। घटनास्थल से फॉरेंसिक के जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे प्रदर्श थे वो बरामद किए गए हैं, उनको हम विवेचना में शामिल करेंगे। जो भी वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें उस इन दोनों को अपार्टमेंट में आते हुए और फ्लैट में जाते हुए दिखा गया है, वो सारे हमारे एविडेंस बनेंगे। जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने पीड़ित मृतका का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है, घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद कर ली गई है और इसमें हम सभी साक्ष्य को, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उनको एकत्र करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शीघ्र से शीघ्र आरोपी को कड़ी से सजा मिलेगी।